हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, हमारे जीवन का आधार होते हैं। परंतु अगर उन रिश्तों में से मधुरता चली जाए तो हम कुछ परेशान से हो जाते हैं, विचलित से हो जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में वो मधुरता को बरकरार रखना चाहते हैं या उसे लाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं कुछ बहुत ही क्विक एंड सिंपल टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपके वो रिश्तों में, वो रिलेशनशिप में प्यार और मधुरता हमेशा बनी रहे। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि वो कौन से योग बनते हैं हमारे बर्थ चार्ट में, जिसके कारण अक्सर लोग अपने रिलेशनशिप्स में सफर करते हैं। सबसे पहला जो कारण है, अगर आपके बर्थ चार्ट में या तो शुक्र मिसिंग है कम्प्लीटली, मतलब कि नंबर 6 मिसिंग है, या फिर वो गलत जगह पे प्लेस्ड है, तो आपको आप अपने रिलेशनशिप्स में सफर करते हो। जो दूसरा कारण बनता है वो है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7s है, 7 नंबर केतु अगर बहुत ज़्यादा है। केतु का काम क्या है? वो लोगों से आपको काटता है, लोगों से दूर करता है, आपको अपने आप में समेट के रखता है, बांध के रखता है, आप लोगों से कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। तो अगर मल्टीपल 7s है तो हमें उसका भी कुछ उपाय करना होगा। जो तीसरा कारण है, कुछ हमारे ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाते हैं जिसके कारण हमारे रिलेशनशिप में हम सफ़र करते हैं। वैसे कौन से कॉम्बिनेशन आपके मूलांक और भाग्यांक का होता है, वो नेचुरली आपके डेट ऑफ बर्थ से आता है, बट डेफिनेटली हमारे पास इनकी रेमेडीज़ है। बट फिर भी समझने के लिए, वो कौन सा मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन है जिसके कारण हम प्रॉब्लम सफ़र करते हैं। पहला जो है 1-8 या 8-1, 2-8 या 8-2, 3-6 या 6-3, 2-4, 4-2, 7-7, 9-9 या 4-9 या 9-4। तो ये तो हमने समझा कि ये कारण हैं जिनके कारण लोग मोस्टली अपने रिलेशनशिप में सफ़र करते हैं। परंतु अब इसका उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय जो है वो है, आपको शुक्र को प्लीज करना है, अपने नंबर 6 उसको एक्टिवेट करना है, उसे एक बेनिफिट पोजीशन में लेके आना है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लैनेट है, ये है रिश्तों का प्लैनेट, प्यार, मोहब्बत, घर, फैमिली, अबंडेंस का प्लैनेट है। तो सबसे पहले आपको उसे एक्टिवेट करना होगा। सिंपल सा तरीका है, आप कैसे करोगे? शुक्रवार के दिन कोई भी सफ़ेद चीज़ का दान दीजिए। इट कैन बी सिंपल थिंग्स लाइक स्वीट्स, मिठाई हो सकती है, खीर हो सकता है, गरीबों में बांटिए। अगर आप छोटी लड़कियों में बांट सकते हो तो और भी अच्छा है। साथ ही साथ फ्राइडेज़ को कोशिश करके वाइट कलर को किसी न किसी तरीके से पहनिए, इम्बाइब कीजिए, या लाइट कलर्स, बेबी पिंक एंड ऑल पेस्टल शेड्स, उन्हें आप जीवन में यूज़ कीजिए। और साथ ही साथ आप एक गोल्डन कलर का मेटालिक वॉच भी पहन सकते हैं, उससे भी आपका वीनस काफ़ी स्ट्रांग होता है। जो सेकंड प्लैनेट है जिसे हमें मनाना है, वो है सूर्य। सिंपल, वाई? बिकॉज सूर्य जो है, ही इज़ द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स, वो राजा है। अगर आप राजा को मना लोगे तो बाकी सब तो अपने आप ही मान जाएंगे आपकी बातें। सूर्य को जल दीजिए, उसे प्रणाम कीजिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। रोज नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट रविवार के दिन कीजिए और देखिए कि आपके लिए चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप 6 महीने से 1 साल तक करते हो ये सब रेमेडीज़, आप अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस देखोगे। और जो तीसरा उपाय है वो है नंबर 5 को एक्टिवेट करना, जो है मर्क्यूरी, बुध का प्लैनेट। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, नंबर 5 हमारे जीवन का बैलेंसिंग फैक्टर होता है। मैंने बहुत बार कहा है कि सिंपल तरीके से आप उसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, हरे रंग से, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो कपड़े में हो, चाहे वो अपने सराउंडिंग्स में हो, और नेचर से आप कनेक्ट कीजिए। जब आप इन 3 नंबरों को, इन 3 प्लैनेट्स को एक्टिवेट करते हो, आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप्स में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। साथ ही साथ अगर आप पर्सनलाइज्ड अपना कंसल्टेशन चाहते हो एज पर योर बर्थ चार्ट, टू आइडेंटिफाई कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है आपके रिश्तों में और उनका स्पेसिफिक रेमेडीज़ क्या हो सकता है, एंड ट्रस्ट मी, जो रेमेडीज़ मैं देती हूँ, जो पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ होते हैं, वो काफ़ी पावरफुल रेमेडीज़ होते हैं।
आपको बहुत जल्दी ही बहुत कम समय में काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर दैट, देन आपको पता है हमें कॉन्टैक्ट कहाँ करना है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमारे चैनल पे दिया गया है, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बुक अ कंसल्टेशन एंड अपने लाइफ में चेंजेस को लाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ये प्यार हमें जीवन में और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहन देता है, और वी ट्राई एंड डू आवर बेस्ट टू ब्रिंग न्यू एंड नॉलेजेबल कॉन्टेंट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, कीप शाइनिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।